गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल. एज यू नो दैट कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ठीक है, विच इज़ एप्लीकेबल इन केस ऑफ शॉर्ट रन, है ना. अब अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल. ये एक तरीके का कॉन्सेप्ट है जो एप्लीकेबल होता है लॉन्ग रन में, ठीक है. एज आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग रन, जैसे ही मैं लॉन्ग रन के बारे में बोलती हूँ आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए दैट ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस आर वेरिएबल इन नेचर. ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस आर वेरिएबल नेचर, ठीक है. वो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे. अब जैसे ही हमने वेरिएबल वर्ड पढ़ा तो हमको समझ में आया कि वेरिएबल मीन्स होता है द थिंग्स विच कीप्स ऑन चेंजिंग, मीन्स एनीथिंग विच कैन ईजिली बी चेंज वुड बी नोन एज वेरिएबल. तो जो चीज़ हमारी चेंज हो सकती है, मीन्स वी कैन से कि हमारा जो फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, जिसकी हम बात करते हैं, हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड हो सकते हैं या तो फिर वेरिएबल हो सकते हैं. ओके, तो फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम शॉर्ट रन में चेंज नहीं करते हैं. बट अगर अपन लॉन्ग रन की बात करते हैं तो अपन फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इजीली चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम होता है. नेक्स्ट, अगर हम वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो उसको तो अपन इंक्रीज डिक्रीज कर ही सकते हैं. तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल अपन को यही बताता है दैट इट्स एप्लीकेबल इन लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट एंड इट इज़ द कॉन्सेप्ट विच स्टेट्स यू दैट हाउ योर आउटपुट इज गोइंग टू चेंज. How your output is going to change by way of proportionate change in your input. ठीक है, ये जो स्टेटमेंट मैंने बोली है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और इसी में पूरा के पूरा लॉ जो है वो डिस्क्राइब्ड है. ठीक है, ये स्टेटमेंट को मैं एक बार लिख देती हूँ दैट हाउ योर ओपी मीन्स मैं आउटपुट को शॉर्ट में लिख रही हूँ दैट हाउ योर आउटपुट चेंजेस. आपको पता है ये ट्रायंगुलर टाइप साइन बनाते हैं, इसका मतलब चेंज होता है, हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था, ठीक है, डिमांड में. तो ध्यान रखिएगा, हाउ योर आउटपुट चेंजेस विथ प्रपोर्शनेट चेंज इन योर इनपुट. ठीक है, ये अपन को ऐसा बताता है कि अगर आप अपने इनपुट को चेंज कर रहे हो तो आपका जो आउटपुट है वो किस परसेंटेज से चेंज होता है. अब आपको समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे प्रपोर्शनेट वर्ड का क्या मीनिंग होता है. तो पहली चीज़ ये प्रपोर्शनेट का मतलब होता है इन विच रेशियो और वी कैन से इन विच परसेंटेज. ठीक है, जैसे मान लो कि हमने 10% से लेबर बढ़ाए, 10% से क्या कर दिया, लेबर बढ़ा दिया, प्लस हमने 10% से लैंड बढ़ा दिया. अब आपको पता है कि लेबर हमारे लिए वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है और लैंड हमारे लिए फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होती है. मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि अल्टीमेटली अपन ने अपने इनपुट को कितने परसेंट से इंक्रीज कर दिया, 20% से. बट आपको पता है कि हमारा जो लेबर होता है, जब हम हमारे वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो उसकी रेट से ज़्यादा परसेंट से इंक्रीज़ होता है ना. ये तो अपन ने पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कि एज यू आर गोइंग टू इंक्रीज़ योर वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देन प्रपोर्शनेट चेंज वुड इंक्रीज़ इन योर आउटपुट. ठीक है, तो अब अपन दोनों को चेंज कर रहे हैं कितने परसेंट से, 20% से. मतलब देखा जाए तो आज मैंने इनपुट को कितने परसेंट से इंक्रीज़ कर दिया, 20% से, बट माय आउटपुट इज़ इंक्रीजिंग बाय 40%. ठीक है, पर मेरा आउटपुट क्या है, 40% से इंक्रीज़ हुआ. तो इट वुड बी नोन एज दैट हाउ मच रिटर्न यू हैड रिसीव्ड बाय इंक्रीजिंग योर इनपुट, इट वुड बी नोन एज योर रिटर्न टू स्केल. आपका स्केल जो है वो कितने परसेंट से रिटर्न हुआ या फिर इंक्रीज हुआ या आपका रिटर्न कितना था. 20% के इंक्रीमेंट ने हमको 40% का आउटपुट दिया, तो दैट वुड बी योर रिटर्न. इसको अपन क्या बोलते हैं, रिटर्न बोलते हैं. तो अभी अपन ने दो चीज़ें इंपॉर्टेंट समझी, वो ये था कि दैट लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल जो होता है वो एप्लीकेबल होता है लॉन्ग रन में. जैसे ही हमने लॉन्ग रन बोला हमको एक चीज़ माइंड में क्लियर हो गई कि फिक्स्ड फैक्टर हो चाहे वेरिएबल फैक्टर हो, बोथ वुड बी वेरिएबल इन नेचर. मतलब हम इजीली लैंड को भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं लंबे टाइम में, प्लस हमारे पास अगर लेबर है तो हम उसको भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं अगर हमारे पास लॉन्ग टाइम है प्रोडक्शन करने के लिए तो. ठीक है, ये तो दो कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़े. इसके बाद अपन ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो काय का था, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल का. तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल स्टेट्स यू दैट हाउ मच योर आउटपुट इज गोइंग टू चेंज. ठीक है, मेरी लाइन को समझना, दैट हाउ मच योर आउटपुट इज गोइंग टू चेंज बाय प्रपोर्शनेट चेंज इन योर वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, दोनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करने पे आपका आउटपुट कितने परसेंट से चेंज होता है उसको अपन बोलते हैं रिटर्न टू स्केल. ठीक है, आपकी स्केल पे कितना रिटर्न हुआ, स्केल मीन्स अ मार्जिन. ठीक है, एक स्केल मतलब क्या होता है, एक मार्जिन.
उस पर आपको कितना रिटर्न हुआ। तो बेसिकली इसके थ्री फेजेज होते हैं। कितने फेजेज होते हैं? थ्री। जैसे हमने वेरिएबल प्रोपोर्शन का जो लॉ पढ़ा था उसमें अपन ने पढ़ा था कि पहले टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे, फिर इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट पे, फिर इंक्रीज होता है नेगेटिव रेट पे, है ना, अपन ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो वैसे ही यहाँ पर जो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है इसमें भी थ्री फेजेज होते हैं या थ्री स्टेप्स के अंदर वर्किंग होती है, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट देयर वुड बी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, क्या बोलते हैं इसको, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। नेक्स्ट जो होता है वो होता है कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। देन देयर वुड बी डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मतलब क्या हुआ, तो सिंपल शब्दों में आप परसेंटेज लेके चलो मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको ये तो पता है कि अगर आप इनपुट को इंक्रीज़ करोगे तो आपका आउटपुट इंक्रीज़ होगा। अगर अपन मशीन के अंदर बिस्किट बनाना है, अपन को एक बिस्किट बनाना है, एक एग्जाम्पल लेके चलो, ठीक है, क्या बनाना है, बिस्किट। अगर अपन 1 kg फ्लार लेते हैं, 1 kg फ्लार लेते हैं, आटा लेते हैं, प्लस 1 kg अपन बटर लेते हैं, ये एग्जांपल ध्यान रखना क्योंकि तीनों में एप्लीकेबल होगा। 1 kg फ्लार लिया, 1 kg बटर लिया और 1 kg अपन ने शुगर लिया, इन तीनों को अपन मिक्स करके अगर बिस्किट बनाते हैं तो अपन को ये पता है कि हमारे जो बिस्किट होते हैं कम से कम हमको 2.5 kg के बिस्किट मिलते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत वेस्ट भी निकल जाता है। तो नेट अपने पास बिस्किट कितने आते हैं, 2.5 kg। मतलब अपन को पता पड़ा कि हमारा जो इनपुट है वो 3 kg है टोटल मिला के, और हमारा जो आउटपुट है वो क्या है, 2.5 kg, जस्ट अज्यूम, ठीक है, ये एग्जांपल लेके चलते हैं। अब अपन को पता है रिटर्न टू स्केल में क्या होगा, इज इन व्हेन अवर आउटपुट, सॉरी, इनपुट इज इंक्रीजिंग, अवर आउटपुट वाज साइमल्टेनियसली इंक्रीज। अपन इनपुट बढ़ाएंगे तो साइमल्टेनियसली आउटपुट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो अब अपन देखते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या होता है। जस्ट अज्यूम मैंने 30% से अपना इनपुट जो है उसको क्या कर दिया है, बढ़ा लिया। 30% नहीं, अपन एक एग्जांपल, एक परसेंटेज फिक्स कर लेते हैं, ओके। तो अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं 100% का, ठीक है। मान लो मेरे पास 3 kg इनपुट है, मतलब कि 3 kg मैदा है, शुगर है, बटर है, सबको मिला के अपन बिस्किट बना रहे हैं। अब अपन ने इनपुट को कितने परसेंट से इंक्रीज़ कर दिया, 100% से, यानी कि मैंने जस्ट 3 kg का 100% निकाला तो वापस से मेरे पास कितना आ गया, 3 kg, ठीक है। 3 kg का 100% 3 kg, मतलब मैंने इनपुट को 3 kg से बढ़ा दिया, मतलब मैंने ऐसा एक और बंडल बना के रख लिया। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे इनपुट जो है अब अपना टोटल कितना हो गया, 6 kg। तो आपको पता है कि हमने इनपुट को जस्ट डबल कर दिया तो हमारा आउटपुट भी क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। मतलब अभी नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में पहले 2.5 kg बिस्कुट निकलते थे और अब 5 kg बिस्किट निकलेंगे। बट आपको पता है कि अगर अपन अपनी कैपेसिटी को 100% रखते हैं और अगर अपन अपने लेबर्स को लगाते हैं तो उनका रिटर्न जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये किसने बोला था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ने, ठीक है, क्योंकि हम 100% कैपेसिटी को क्या करने वाले हैं, अब यूज़ करने वाले। तो हमको पता पड़ा कि हमारे बिस्किट 5 kg की जगह 5.5 kg यानी 5.5 kg बिस्किट हमको बन के निकल गया है। मतलब हमारा प्रोपोर्शनेट इंक्रीज़ क्या था, ज़्यादा था। हमारा प्रोपोर्शनेट इंक्रीज़ क्या है, ज़्यादा है। सिंपल वर्ड्स में अपन ये भी बोल सकते हैं कि इफ़ यू आर गोइंग टू इंक्रीज़ योर इनपुट बाय 10%, देन इफ़ योर आउटपुट इज़ इंक्रीज्ड बाय 20%, देन इट वुड बी योर इंक्रीजिंग रिटर्न। अगर आपको कोई ये चीज़ परसेंटेज की फॉर्म में एक्सप्लेन करनी है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मींस इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज योर इनपुट बाय 10% बट यू आर गेटिंग द रिजल्ट मींस रिटर्न एट मोर देन 10%, देन इट वुड बी द कंडीशन ऑफ योर इंक्रीजिंग रिटर्न। अब अपन देख लेते हैं कांस्टेंट रिटर्न। तो परसेंटेज की फॉर्म में देखा जाए तो व्हेन यू आर गोइंग टू इंक्रीज योर इनपुट बाय 10% एंड इफ योर आउटपुट इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 10%, मींस देयर इज नो एक्स्ट्रा, कोई एक्स्ट्रा नहीं होता, तो इट वुड बी नोन एज योर कॉन्स्टेंट रिटर्न, इट वुड बी योर कॉन्स्टेंट रिटर्न। नाउ अब डिक्रीजिंग रिटर्न क्या हो जाएगा, तो डिक्रीजिंग रिटर्न वुड बी द कंडीशन वेयर यू आर गोइंग टू इंक्रीज योर इनपुट बाय 10% बट योर आउटपुट इज इंक्रीजिंग जस्ट बाय 7% और लेस देन 10%, तो इट वुड बी योर डिक्रीजिंग रिटर्न। वो अपने लिए क्या बन जाता है, डिक्रीजिंग रिटर्न बन जाता है। तो सिंपल वर्ड्स में अपन क्लैरिफाई कर लेते हैं एक बार, ये सिंपल अपन को ये बताता है कि हमारा जो रिटर्न है वो कितने परसेंट से हुआ है, ठीक है। अगर रिटर्न ज़्यादा है तो इंक्रीजिंग रिटर्न, रिटर्न इक्वल है तो कॉन्स्टेंट रिटर्न, रिटर्न कम है तो डिक्रीजिंग रिटर्न। सारी की सारी चीज़ें काय पे बेस्ड होती है, इनपुट और आउटपुट पे। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। इफ़
इनपुट, आईपी मतलब क्या होता है इनपुट, इफ़ इनपुट इज़ मोर एंड आउटपुट इज़ लेस देन इट वुड बी द कंडीशन ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, क्योंकि इनपुट तो हमने ज़्यादा लगाया, हमने ज़्यादा काम करा बट हमको आउटपुट कम मिला, तो उसको डिक्रीजिंग रिटर्न भी बोलते हैं। एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन योर आउटपुट, है ना, आउटपुट पे बेस्ड हो जाएगी। बट इफ़ योर इनपुट इज इक्वल टू योर आउटपुट इट वुड बी योर कॉन्स्टेंट रिटर्न। देन इफ योर इनपुट इज़ लेस बट योर आउटपुट इज़ मोर देन इट वुड बी योर इंक्रीजिंग रिटर्न। ये एक शॉर्ट में आप लोग ध्यान रखिएगा और आप परसेंटेज की फॉर्म में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि 10% अगर ले रहे हो तो आउटपुट को हमेशा 10 से ज़्यादा ही लेना, अगर इंक्रीजिंग रिटर्न बता रहे हो तो, कॉन्स्टेंट रिटर्न बता रहे हो तो दोनों को 10 लेना, और डिक्रीजिंग रिटर्न बताओ तो 10 से कम लेना आउटपुट को। सारी की सारी चीज़ें काय पे बेस्ड होगी, आउटपुट पे बेस्ड होगी। होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि क्या रीज़न होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का, डिक्रीजिंग रिटर्न का या कॉन्स्टेंट रिटर्न का। ठीक है, थैंक यू।